हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पेज। तो आज की ये वीडियो फादर्स डे के कार्ड के ऊपर है, जो कि बहुत सिंपल क्यूट है, जो आप आसानी से बना लेंगे, चाहे मैं बना के दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ। तो आपको बताया है कि जैसे कि मैं कार्ड्स बनाती हूँ, तो मैं बनाते बनाते नहीं दिखाती, मैं पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ कि ये कैसे कैसे बनाया मैंने, डिटेल में मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो आज की ये वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने एक ब्लू पेपर लिया था, ब्लू पेस्टर शीट ली थी एक A4 साइज, और अंदर मैंने एक A4 साइज पिंक शीट ली थी, उसको मैंने काट दिया। देखो अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा फॉर मी द हैप्पीनेस इज माई डैड्स हग। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ग्लू लगा के ग्लिटर डाल दिया, देख सकते हैं आप, ये रेड ग्लिटर है, ये सारे जो छोटे छोटे, ये सिल्वर है, ये पिंक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कटआउट ऐसा लिया, ऐसे बॉक्स जैसा, देख सकते हैं, ऐसे करके फिर एक मतलब कार्ड का ऐसे मोड़ के उसको चिपका दिया और बीच में से कटआउट कर लिया उसका, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कटआउट कर लिया मैंने। कटआउट करने के बाद मैंने दो, एक छोटी सी लड़की और एक पापा बनाए हैं। तो जैसे ये मेरे पापा है आशीष, और ये मैं हूँ वैष्णवी, आपको पता होगा कि मेरा नाम वैष्णवी। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा टू गिव वैष्णवी अ हग स्लाइड दिस साइड। इसके अंदर मैंने ना एक ट्रांसपेरेंसी वो लगाई थी, वो होती है ना, इसको देखते हैं, ये देखिए, इसको मैं अगर ऐसे खिसकाऊंगी तो ये देखिए, ये गले मिल गए पापा और बच्ची, और यहाँ पे आ गया हैप्पी फादर्स डे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखिए, अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो इसलिए जब हम न्यू अपना वो लेंगे, न्यू स्टूडियो, तब मैं आपको आसानी से बना के दिखाऊंगी, कैमरा मैन भी अपने साथ रख लूंगी, लेकिन अभी के लिए ऐसे ठीक है। तो ये देखिए अंदर मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिखा है डैड यू आर माय, और फिर मैंने यहाँ हीरो फ्रेंड, हीरो फ्रेंड स्ट्रॉन्ग टीचर स्ट्रेंथ इंस्पिरेशन एवरीथिंग, यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिखा। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इन पर टेप लगा दी मैंने इन पर सब पे टेप लगा दी, दो दो मतलब छोटा बड़ा 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 ऐसे करके लगाई है। तो यहाँ पे छोटा है, फिर यहाँ पे बड़ा है, उससे बड़ा लिखा, उससे बड़ा ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा है। लिखने के बाद मैंने क्या करा, उस पर टेप लगा दी, टेप लगाने के बाद मैंने होममेड पेंटिंग कलर, ये सिर्फ होममेड पेंटिंग कलर से हो सकता है, बाहर के पेंटिंग कलर से नहीं होएगा। मैं इसकी लिंक आपको बाद में देती हूँ, अभी मैं अपना फेस दिखाऊंगी, उसमें जो मैं बताऊंगी ना वो ध्यान से सुन लेना, जब भी आपका ये कार्ड बनेगा। तो यहाँ देखिए, तो इसको जब हम किसी चीज़ से छुटाएंगे ना, जैसे अभी मैं तो एक पॉकेट और बनाने वाली हूँ, पॉकेट में यहाँ बाहर की तरफ कहीं बना दूंगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ कर दूंगी कि लटका दी मैंने पॉकेट, उसमें ना चीज़ रखूंगी मैं, जैसे क्रेयॉन्स के साथ या फिर मैजिक वैसे कलर्स के साथ आती है ना, एक छोटी सी फिश आती है, उसको स्क्रैच करते हैं, उससे स्क्रैच हो जाएंगे सारे। तो स्क्रैच करने के बाद इसके बीच में से निकल के आएगा हीरो, ऐसे ऐसे करके। तो मैं आपको ना जिस दिन फादर्स डे आएगा, उस दिन जब मेरे पापा स्क्रैच कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दोबारा बनाऊंगी, उसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या करा था, लेकिन अभी मैं डिटेल में वैसे बता रही हूँ। तो देखिए आप, इसमें मैंने ऐसे करा है, और फिर यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए टेप उठ रही है, देखिए सब में ही टेप उठ रही है बीच में से, क्योंकि कार्ड मुड़ा हुआ था हल्का सा, इसलिए तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका पेंट ना होममेड पेंट तो थोड़ा, ये मेरा भाई है बबू, बहुत क्यूटी सा बच्चा है ये, अरे बहुत नखरे दिखाता है, और ये मेरे बिना तो कहीं जाता भी नहीं है ये। और मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेप है, सब जगह टेप है, ये कुछ भी नहीं है, और देख सकते हैं आसानी से आप, है ना। तो इसको, ये होममेड जो पेंटिंग कलर होते हैं, अगर आपके ये टेप से नीचे भी जाना तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेप से नीचे जाएंगे कागज वागज पे तो ये फैलेंगे नहीं, मतलब नीचे जाए तो कोई बात नहीं, वो तो स्क्रैच करने के बाद सही अच्छा लगेगा। मैंने नीचे जो इसके अंदर लिखा है ना, वो भी मैंने पेंटिंग कलर से ही लिख रखा है, तो आगे की वीडियो में बाद में बनाती हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने टेप लगाई थी, तो इस पर हमें होममेड कलर से तीन तीन, एक वन लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब वन एक एक लेयर चढ़ानी है, फिर उनके सूखने के बाद दूसरी लेयर चढ़ा देनी है, फिर उनके सूखने के बाद तीसरी लेयर चढ़ाने के बाद ये बिल्कुल ढक जाएगा, तीसरी लेयर पे कुछ भी नहीं रहे, तीसरी लेयर नहीं चढ़ाई तो मतलब आपका ये कार्ड बेकार है।
तीसरी लेयर तो चढ़ानी पड़ेगी। और ये कार्ड जब ही काम करेगा जब आप होममेड पेंटिंग कलर से इसको करेंगे। होममेड पेंटिंग कलर का तरीका मैं आपको दे दूंगी। और होममेड पेंटिंग कलर के दो फायदे हैं, आपको साथ साथ में होममेड क्ले भी मिल जाएगी और आपका कार्ड बन जाएगा। तो कैसे मैं आपको बता दूँ, एक मिनट। तो जैसे कि मैंने आपको अब बताया ना कि होममेड पेंटिंग कलर से बनेगा, तो फायदे उसके कहते हैं कि देखिए मैंने ना एक बुक में टेप लगाई, जैसे मैंने कोई भी वर्ड लिख दिया हैज हैड है ना, तो उस पर मैंने टेप लगाई। टेप लगाने के बाद मैंने अपने कलर का कलर तीन लेयर चढ़ा दी। रात भर मैंने सूखने के लिए रख दिया उसको, क्योंकि अकेली चीज़ थी इसलिए रात भर रख दिया। सुबह के देखा मैंने स्क्रैच किया, फिर मैं उसको ऐसे दबाते वो क्या हुआ कि क्ले हो गई। फिर मैं खींच रही हूँ क्ले की तरह हो रही है, बिल्कुल क्ले, होममेड ओरिजिनल क्ले बिल्कुल, और वो आपकी ख़राब नहीं होगी। तो आपको ये जो मैंने होममेड पेंटिंग कलर बनाया ना, इसको बनाने में आपको क्या क्या चाहिए, तो मैं आपको सामान बता देती हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कितना कितना कैसे कैसे डालना है, कितना मिलीमीटर कितना मेजर करके डालना है किसमें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी फिर, ठीक है। अगले वीडियो में मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको थिंग्स बता देती हूँ, उसमें क्या क्या लगेंगी। एक तो पेंटिंग ब्रश ताकि हम मिक्स कर सकें, एक तीन डिब्बी ले लीजिएगा, उसमें एक में कोलगेट डालना है, पूरी भर लीजिएगा, जो बच जाएगा वो आपका सेकेंड दूसरे मतलब दूसरे में काम आ जाएगा, दूसरा कलर बनाओगे तो। कोलगेट एक में ग्लू भर लीजिएगा और एक में वो ऑयल होता है ना मस्टर्ड ऑयल, वो भरना है। उसके बाद और एक स्केच कलर, मतलब कोई से भी कलर का ले सकते हो आप, जैसे पिंक रेड स्केच कलर ले लेना। मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे करना है, कैसे मिक्सिंग करनी है, क्या क्या करना, तो आपका कलर रेडी हो जाएगा। तो अब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं अपनी उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप उसको देख लेना। तो अभी के लिए बाय बाय, मैं अभी पिन नहीं करूंगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे बनाना है, बनाने से एक दो दिन बाद मैं उस वीडियो को बनाने के एक दो दिन बाद मैं उसको पिन कर दूंगी, जब आप देख लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कभी वीडियो देख के आप सब्सक्राइब ना करें। तो मैं आपको क्ले दिखा देती हूँ, ये देखिए एक क्ले है, ये देखिए बिल्कुल क्ले की तरह हो रही है, ये देखिए आराम से देख सकते हैं, देखिए